आज हम बताएंगे इसके पोर्ट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या कनेक्शन आप कर सकते हैं, क्या इन है क्या आउट है, उन सभी चीज़ के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए अब इसका बैक पैनल में चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या इसमें कनेक्शन अवेलेबल है और क्या क्या आप कर सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले टीवी को हम इधर करेंगे और आज जो हमारा कैमरा मैन है वो अभी नहीं है हमारे पास, थोड़ा दिक्कत है। और अब हम अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपको तरीके से समझ में आ जाए। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, दिखाते हैं, रुक जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डीटीएच का कनेक्शन कैसे करना है, इसके बारे में हम एक बार बताए भी थे लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया बढ़िया तरीके से, तो फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे है येलो का इनपुट, वाइट का और रेड का। येलो वीडियो का हो गया, वाइट और रेड ऑडियो का हो गया, लेफ्ट और राइट किसी में भी आप लगा सकते हैं, बट स्टूडियो आपका मैच नहीं करे तो देख करके आप लगाइए किधर लेफ्ट आ रहा है किधर राइट आ रहा है। वीडियो तो यहाँ पे रहेगा ही, चाहे कोई भी डीटीएच हो, हम फिर से बोल रहे हैं कोई भी डीटीएच हो सेम कनेक्शन रहेगा। और नए वाले डीटीएच में क्या है, एचडीएमआई का ऑप्शन आ रहा है, तो एचडीएमआई का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पर आप एचडीएमआई का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्ट जो है HDMI 2, ये वाला पोर्ट पे आप इसको इनपुट दे सकते हैं एचडीएमआई से यूज करने के लिए। अगर आपका सेट टॉप बॉक्स में HDMI का आउटपुट है यहाँ पर इनपुट दीजिए और अपने सेट टॉप बॉक्स में आउटपुट दीजिए HDMI का, तो आप HDMI के थ्रू चला सकते हैं। और बाकी तो आपको पता है कि ये नेटवर्क का है, बट ये नेटवर्क नेट चलाने के लिए नहीं है, ये छोटे डिवाइस से बड़े डिवाइस में अटैच करने के लिए है। जैसे कि लैपटॉप का डिस्प्ले आप इस पर यूज़ करना चाहते हैं, लैपटॉप का डिस्प्ले यानी बड़े साइज में देखना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बट इसमें नहीं दिया गया है नेटवर्क ऑप्शन, इसमें नेट नहीं चलेगा क्योंकि हमने अभी फाइबर लगवाया है तो उन लोगों ने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, वाईफाई से चलता है, इसका यूज जो है लैपटॉप के लिए है। ओके, कोई भी डिस्प्ले हो उसके लिए है। और ये एंटीना है, इसका तो यूज कुछ है नहीं। ईयरफोन यहाँ से आप होम थिएटर वगैरह कनेक्ट कीजिए और जो भी ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो सकता है, कोई भी जो साउंड बार वगैरह आ रहा है वो सब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो यूएसबी दिया गया है, USB 2.0, देखिए ये दोनों यहाँ पे मिल जा रहा है। यहाँ से आप पेन ड्राइव लगा करके डायरेक्ट मूवी वगैरह देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, जो भी अपना मन है कर सकते हैं, फोटो वगैरह देख सकते हैं, तो यहाँ पे पेन ड्राइव अटैच कर लीजिएगा। ओके, तो इतना सारा ऑप्शन आपको बैक पैनल में मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है बैक पैनल में। इधर देखिएगा तो यहाँ पे पावर सप्लाई का है केबल, और कुछ नहीं है। नीचे तो मैंने दिखाया भी था, अभी एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए नीचे जो है इसका डिटेल है और यहाँ पे स्टार वाला है, ओके ट्रिपल स्टार है। और एक चीज बैक में यहाँ पर जो है वो हीट निकलने के लिए डिजाइन दिया गया है इसके थ्रू, मतलब वही जो हीट होगा उसका हीट इसके थ्रू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम कनेक्शन है वो यही है, इतना ही पॉसिबिलिटी इसके थ्रू आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ एक फ्रेंड का ये भी क्वेश्चन था कि सर आप यहाँ पर वाइट तो लगाए हैं, ठीक है यहाँ पर वाइट आपने लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डीटीएस में आपने रेड कलर क्यों लगाया, देख रहे हैं रेड कलर है डीटीएस में, देखिए है ना रेड कलर, वहाँ पे आपने रेड कलर क्यों लगाया है। तो दोस्तों हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार देखिए अच्छे तरीके से, ये जो वाइट वाला वायर आ रहा है, देखिए ये वाइट वाला वायर आ रहा है, ये क्या है, मेरा खुद का बनाया हुआ केबल है, जो कोड है मैंने खुद बनाया था, तो लोकल बात है उसका वायर सड़ जाता है। देखिए इसमें प्रॉपर 1 mm का वायर हमने लगाया हुआ है एंकर वाला, ठीक है बढ़िया वाला वायर लगा हुआ कॉपर वाला, और ये हमने मार्केट से ला करके केबल बनाया था। तो क्या हुआ कि
लाया तो था हमने कलर भाई जी, पता नहीं कहाँ पे कलर मिस कर गया, पता नहीं चला, मिला ही नहीं ये वाला कवर हमको, फिर दोबारा मार्केट नहीं जा पाए, जो उस टाइम अवेलेबल था उसको हमने लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर का जो आ रहा है, ये देखिए इसका वायर, देखिए ये वायर जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये देखिए, अभी दुर्गा पूजा का चंदा भी कट गया है, देखिए ये जो वायर है ये देखिए जा रहा है ब्लैक में, जा रहा है रेड में, देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मूव करते हैं, वहाँ पे रेड वाला देखिएगा हिलेगा, एक सेकंड खींचते हैं तो वहाँ पे देखिए रेड वाला हिल रहा है, रेड में जा रहा है, तो सिर्फ जो कवर है उसका इशू आया था, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, एकदम मस्त है, वाइट लगाइए या फिर रेड लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड लगाइए चलेगा, एकदम इत्मीनान से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, फिर भी दिक्कत आ रहा है तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए, हम सोल्यूशन दे देंगे। ओके तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो हम समझाने की कोशिश किए हैं वो आप शायद समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो हमको कमेंट करके पूछिएगा, हम सोल्यूशन देंगे, बहुत लोगों को हमने सोल्यूशन दिया भी है कमेंट के थ्रू, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जा करके कमेंट कीजिएगा, हम सोल्यूशन देंगे। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।